Uh, areas of individual differences that uh, individual differences uh, have many areas that uh, how many differences uh, uh, individual have and in in what areas they have so areas mean that uh, individual differences you know uh, a person have a uh, person has because person has uh, different uh, parts of personality and uh, four major parts of the personality are uh, physical parts and uh, mental part and emotional and social so individual differences always you, you know exist in these four areas and uh, some other information that we will discuss today that uh, age differences and sex differences in uh, individual differences are very important age differences means that uh, 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 students will have variety of difference in terms of height, strength, emotions, and cognitive development uh, throughout the age. You know, if you think that the person is very intelligent uh, at two years, you you are feeling that because the child is perceiving things quickly and responding quickly, so you think that he is very intellig intelligent and he can be you know uh, selected for any profession.

उसके एप्टीट्यूड और एटीच्यूड का डिफरेंस है वो सामने नज़र आना शुरू हो जाता है और बच्चे जब यंग होते हैं तो फिर जाके टोटली totally डिफरेंट हो जाते हैं चाइल्डहुड से या कुछ बच्चे बिल्कुल अपने चाइल्डहुड की तरह ही बिहेव करते हैं तो जैसे जैसे एज में वो मेच्योर होते हैं वैसे वैसे उनकी वो फोर फैक्टर्स जो उनके फ़ोर एलिमेंट्स हैं पर्सनैलिटी के फ़िज़िकल मेंटल सोशल इमोशनल सारे चेंज हो जाते हैं बचपन में एक बच्चे ने बहुत तंग किया आपको दो से चार साल की उम्र में ग्रेजुअली जैसे जैसे वो बड़ा होता गया मेचोर होता गया अपनी ऐज के साथ उसके वो जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा था दूसरे बहन भाइयों से वो डिफरेंट था अपनी ऐज के मुताबिक तो अब उसमें अपनी ऐज के साथ चाहे वो चार साल के दो बच्चे हैं लेकिन फिर भी उसकी ऐज में जो डिफरेंस था वो अब उमर के साथ साथ और या तो इम्प्रूव हो जाता है या फिर वो मज़ीद जो है वो पथेटिक हो जाती है वो सिचुएशन इंडिविजल डिफरेंस की और वह ज़्यादा डिमांडिंग हो जाता है कुछ बच्चा वो कहते जी पेरेंट्स मुझे टाइम नहीं दे रहे जिसकी वजह से वो आपको ज़्यादा तंग करने लग जाता है जबकि वही उसी एज का जो दूसरा उसका बहन या भाई है वो, वो क्वाइट पीसफुल है तो एटीट्यूड एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटीज़ और सारे जो डिफरेंसेस हैं ये एज के साथ साथ जो है इनमें डिफरेंस और बढ़ता जाता है इसी तरह से सेक्स डिफरेंसेस हैं अब जैसे गर्ल एंड बॉय जो बचपन में खेल रहे हैं इकट्ठे तब भी उनमें डिफरेंसेस थे लेकिन जैसे जैसे वो भी में होते गए और उन्हें पता चलता क्या कि अब वो आ, जो है वो एक बॉय है एक गर्ल है और दोनों बिहेव जो है कर रहे हैं कि अब वी आर यंग वंस तो यंग वंस होने की वजह से उनकी जो आपस की इंट्रैक्शन है वो डिफरेंट हो गई अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से दो बहनें जो हैं वो डिफरेंटली डील करती हैं बॉय को दो बॉयज़ जो हैं वो एक एज में होने के बावजूद दो भाई होने के बावजूद उनका इंट्रैक्शन जो है वो फीमेल्स के साथ डिफरेंट होता है तो ये डिफरेंसेस भी बड़े आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे कि भाई तो ये दोनों हैं इवन ट्विन्स हैं लेकिन इनका एटीट्यूड देखो कितना डिफरेंट है लोगों के साथ तो जेंडर जो है यानी फ़ीमेल्स जो हैं ये फीमेल्स दो फीमेल्स एक एज की और वो भी डिफरेंटली बिहेव कर सकती हैं और मेल और फीमेल दोनों आ, का एक एज में होने के बावजूद सोशलाइजेशन का तरीका भी डिफरेंट होगा और उनका उनकी हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी डिफरेंट होती है तो जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो भी क्वाइट नॉर्मल हैं और जेंडर डिफरेंसेस की वजह से बाकी तमाम डिफरेंसेस जो उनमें पाए जाते हैं वो भी क्वाइट नॉर्मल होते हैं इसी तरह से इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डिफरेंसेस जो हैं वो बोथ जेंडर्स में पाए जाते हैं मेल एंड फीमेल में और दो सेम जेंडर में भी पाए जाते हैं चाहे वो एक एज से बिलोंग करें तो एक फैमिली से बिलोंग करें उसके अंदर जो है साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी जैसे इसमें इन्वॉल्व है तो मेनली ये डिस्कस करती है कि एजुकेशन uh, हासिल करने की जो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है वो भी जेंडर्स में डिफरेंट होती है बॉयज़ आर मोर सीरियस या नॉन सीरियस गर्ल्स आर मोर सीरियस या नॉन सीरियस जनरल एप्टीट्यूड जो देखा गया है बॉयज़ आर मोर शार्प देन गर्ल्स लेकिन जब तक रिसर्च के रिजल्ट्स ना देखे जाएँ तो हम ये नहीं कह सकते कि वो शार्प बाय बर्थ ही होते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट में हम डोमिनेंस देते हैं बॉयज़ को जिसकी वजह से वो जल्दी जो है वो मेचोर होते हैं हालांकि हालाँकि एज जो है वो लेट मेचोर होते हैं लेकिन इस इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स की वजह से बॉयज़ जो हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं और गर्ल्स जो हैं वो डिफरेंटली बिहेव करती हैं तो ये डिफरेंसेस उनमें पाए जाते हैं उसके बाद इंटेलेक्चुअल uh, डिफरेंसेस जो हैं इसके लिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन है यार्ड स्टिक तो उसमें जो डिफरेंसेस बताए गए हैं वो ये हैं कि एक जो आ, आ, जीनियस होता है उसका आईक्यू लेवल जो है वो वन फोटी एक यार्ड स्टिक जो उन्होंने रखी कि हंड्रेड एंड हंड्रेड टेन तक जो होता है वो एवरेज है वन टेन से जो अबव होता है वन ट्वेंटी तक वो इंटेलिजेंट है वन ट्वेंटी से वन थर्टी वेरी इंटेलिजेंट है वन वन फोर्टी और वन फोर्टी अबव जो है वो जीनियस है तो जीनियस की तादाद भी दुनिया में कम है और हंड्रेड से बिलो जो होंगे उनकी इंटेलिजेंस कम होती जाएगी फ़िफ्टी सिक्सटी के पास जाके अगर किसी की इंटेलिजेंस है तो वो स्पेशल चाइल्ड है और सेवनटी पे भी अगर उसकी इंटेलिजेंस है तो वो स्पेशल चाइल्ड है वो आम स्कूल के बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकता ये उसके डिफरेंसेस जो हैं वो स्पेशल डिफरेंसेस हैं इसलिए उसको स्पेशल स्कूल में ही भेजना चाहिए तो ये जो इंटेलिजेंस यार्ड स्टिक है ये भी डिफरेंसेस जो है वो इंटेलिजेंस में बताती है और चूँकि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई हुई है और उसके बाद ये वाला इंटेलिजेंट यार्ड स्टिक बना है तो ये हमें काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है पेरेंट्स को और टीचर्स को कि किसी भी बच्चे को किस तरह से जज किया जा सकता है तो इन डिफरेंसेस के साथ बच्चों को डील करना जो है वो पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और टीचर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और उनको एक गुड वे में एक कलेक्टिव वे में एक ग्रुप की सूरत में इकट्ठा ले कर चलना जो है वो टीचर्स के लिए चैलेंज तो ज़रूर है लेकिन उनको इसकी एक स्किल जो है वो डिवेलप करनी चाहिए हाउ टू मैंटेन द ग्रुप